दोस्तों आज आपको हम वार्डरोब दिखा रहे हैं जो कि 9.5 फिट लंबी है और 12 फिट की इसकी चौड़ाई है। और इसमें हम लोगों ने 4 पल्ले दिए हुए हैं और किस तरीके से इसको बनाया हुआ है पूरा हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये हम बता दें यहाँ पर कि जो हम लोग ने पल्ले बनाए हुए हैं, ये देखिए दोस्तों, पीछे साइड में बैक प्लाई हम लोगों ने नहीं लगाई हुई है। तो उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर दीमक थी, तो इस वजह से हम लोग ने थोड़ा अवॉइड किया है, पीछे टाइल्स लगवा दिया है तो इस वजह से, और बाहर बाहर फ्रेमिंग करी हुई है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं और इसमें जितने भी पार्टीशन है दोस्तों वो सभी HDHMR के हैं। ये हमारा पोर्शन आता है ड्रेसिंग टेबल का, तो ऊपर अभी मिरर लगना बाकी है। पल्ले के अंदर आप पल्ला खोलते हैं तो आपको ड्रेसिंग टेबल का एरिया मिल जाता है, ऊपर साइड में आपके जो चूड़ी वगैरह होते हैं उसके रखने के लिए बाई साइड में एक और स्पेस मिल जाता है। उसके बाद में आप ड्रेसिंग टेबल का पल्ला बंद करते हैं, उसके बाद से आप इसको कवर कर सकते हैं पूरा मिरर का कोई नहीं। और इसके बाद में दूसरी तरफ जो है हमारी पूरी सेल्फ हम लोगों ने रखी हुई है, ये कोई भी जो कपड़े वगैरह होते हैं उसको आप आसानी से तहा सकते हैं आराम से। ये देखिए, देखिए दोस्तों पूरी पार्टीशन दिया हुआ है हम लोग ने, अपने हिसाब से कोई भी कपड़े वगैरह होते हैं वो आप आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह की वार्डरोब हम लोग ने बनाई हुई है, इसमें डिज़ाइन किया हुआ है और ऊपर सेम सीधा सा पल्ला दिया हुआ है। बीच में आप जो बॉर्डर देख रहे हैं उसमें एक जो ताड़ होती है वो है, तो उसको हम लोग ने कवर किया हुआ है और पूरा बनाया हुआ है इसको। तो इसमें जो मेन बेसिक मटेरियल यूज़ किया है वो HDHMR प्लस 19 mm की जो प्लाई होती है उसको यूज़ किया है। तो अगर इस तरह का कोई भी वर्क वगैरह आपको करवाना हो तो हमें कॉन्टेक्ट करिए। और साथ ही साथ में हमने एक टीवी यूनिट भी बनाया हुआ है रूम में, तो आप टीवी यूनिट भी देख सकते हैं। तो इसको बनाया हुआ सामने से 1.5 इंची की मोटाई दी हुई है, इसमें आपको साइड में दोनों तरफ पल्ले मिल जाते हैं, ये देखिए। उसके बाद में आपका सेल्फ जो है वो बटन पर डाला हुआ है। उसके बाद में 2 ड्रॉर मिल जाएंगे, दोनों ड्रॉर में लॉकर हम लोगों ने लगाए हैं। उसके बाद में नीचे साइड में 2 जोड़ी के पल्ले आ जाते हैं, ये देखिए, बड़ा सा स्पेस है कोई बड़ा सामान रखने के लिए दिया है। उसके बाद में फिर एक पल्ला आ जाता है। ये टीवी यूनिट दोस्तों जो पूरा हम लोग ने HDHMR पर बनाया हुआ है, उसके पल्ले जो हैं वो सिर्फ बोर्ड पर बने हुए हैं 19 mm बोर्ड पर, और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं बटन लगे हुए हैं सेल बटन, इसमें पूरा हमारा ग्लास आ जाएगा और सामने से भी पल्ले में ग्लास आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह कोई भी वर्क करवाना हो तो आप हमें करवा सकते हैं। ये जो साइट थी हमारी, ये विनीत खंड गोमती नगर लखनऊ में हम लोग ने इसको फाइनल करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो जो इस तरह का काम करवाना हो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।